क्या आप किडनी के किसी भी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो ये वीडियो आखिर तक देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं गारंटी दे सकता हूँ कि ऐसा वीडियो आपने YouTube पर कभी देखा ही नहीं होगा। क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं कि किडनी का कोई भी बीमारी, कोई भी समस्या हो, खास करके किडनी फेल हो चुकी हो, तो किडनी पर काम कैसे करें, किडनी को एक्टिव कैसे करें। आपको लग रहा होगा किडनी क्या सही में एक्टिव हो सकती है? जी हाँ, एक्टिव हो सकती है। और आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि क्या करना चाहिए किडनी को फिर से एक्टिव करने के लिए। क्योंकि आपने बाकी सब जगह ये सुना है कि किडनी फेल हो गई है, सीकीडी है, आप कुछ नहीं कर सकते, कुछ दिन बाद क्रिएटिन बढ़ेगा, यूरिया बढ़ेगा, फिर डायलिसिस करेंगे, और डायलिसिस के बाद फिर बाद में आएगा ट्रांसप्लांट। लेकिन इसके अलावा और क्या कर सकते हैं इस वीडियो में आपको पता चलेगा, इसलिए ये वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा। और जितने भी आप चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसके बारे में जान पाए, इसे शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते, जानते हैं कि किडनी को एक्टिवेट कैसे करें। तो चलिए बात करते हैं किडनी की। आजकल किडनी की बीमारियां बहुत ज्यादा बढ़ रही है। आप देख रहे हैं कि हर जगह देखेंगे किडनी सेंटर, डायलिसिस सेंटर, किडनी स्पेशलिस्ट, इतने बड़े बड़े अस्पताल खुल गए। लेकिन हम कुछ सालों पहले देखे तो ये सब नहीं था। अगर हम 20-25 साल पहले जाते हैं तो किडनी फेलियर इतना नहीं था। तो किडनी को एक्टिव करने के पहले ये जानना जरूरी है कि किडनी खराब क्यों होती है, खराब कैसे होती है। तो चलिए मैं कुछ स्टेप्स बताता हूँ आपको कि क्या होता है एग्जैक्टली किडनी के साथ। आजकल हम खान पान में देखेंगे इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स और कितने तरह के केमिकल्स हमारे बॉडी में जाते हैं, हमें भी अंदाजा नहीं है। इसके अलावा हम मेडिसिन नाम का केमिकल भी लेते रहते हैं, किसी भी रीजन के लिए हो सकता है, कभी पेन किलर, कभी एंटीबायोटिक या किसी भी रूप से। तो ये जो सारे टॉक्सिन्स बॉडी में जाते हैं, मेडिसिन बॉडी में जाते हैं, इन्हें मेटाबोलाइज करने का और शरीर से बाहर निकालने के लिए ये सारे के सारे किडनी में जाएंगे, जिम्मेदारी किडनी की होती है। अब सोचिए सब कुछ किडनी में जाएगा, जिम्मेदारी किडनी की है, बोझ भी किडनी पर ही आएगा, डैमेज भी किडनी ही होगी। तो एक तो हो गया मेडिसिन, दूसरा हो गया टॉक्सिन्स, इसके ऊपर जब कोविड जैसी कोई चीज आती है और फिर आप स्टीरॉयड्स लेते हो और स्टीरॉयड्स की भरमार हो जाती है या बहुत ही पावरफुल इंजेक्शन की भरमार होती है, इसका भी लोड सीधा किडनी पर आता है। तो किडनी इतने सारे बोझ के तले एक समय गिव अप कर देती है। और क्या हर केस में किडनी गिव अप करती है? नहीं, कभी कभी ऐसा होता है कि लीवर कमजोर हो तो लीवर ज्यादा गिव अप करेगा। तो इसमें जेनेटिक कंपोनेंट भी अपने आप ऐड हो गया। तो जब मैं हम बात करते हैं किडनी के खराब होने की या किडनी के फेल होने की, सबसे पहले आता है जेनेटिक फैक्टर, आप में टेंडेंसी होनी चाहिए, या फिर दूसरी भाषा में कहा जाए तो आपकी किडनी कमजोर होनी चाहिए। एक दूसरा, आपके पास ट्रिगर्स भी आने चाहिए। अब पहला ट्रिगर जो हमने डिस्कस किया इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड्स, फूड के द्वारा जो आता है। दूसरा पकड़ लीजिए पानी के द्वारा जो केमिकल्स आते हैं या जो पोल्यूशन आता है वो। तीसरा पकड़ेंगे आप अगर इनहेल करते हो, एयर पोल्यूशन है, इनहेल करते हो वो भी टॉक्सिन्स बॉडी में जाते हैं। इसके अलावा इंसान थोड़ा सा ज्यादा प्रगत होने के कारण कोई एडिशनल टॉक्सिन्स भी लेता है, अल्कोहल। क्या लगता है आपको, अल्कोहल जब लेते हैं तो अगेन इसे फिल्ट्रेशन करने की बहुत ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी किडनी पर आती है, किडनी ओवरवर्क हो जाती है, तो अल्कोहल से भी किडनी को डैमेज होता है, ये एक ट्रिगर का काम करता है। फिर स्मोकिंग या टोबैको किसी भी फॉर्म में हो, अल्टीमेटली ये बुराई है जो शरीर में जाती है। कोई भी बुरी चीज है उसे बाहर फेंकने का काम किसका है? तो एक तो लीवर है जो लैट्रिन के रास्ते से बाहर फेंकेगा, और दूसरा किडनी है जो पेशाब के रास्ते से बाहर फेंकेगी। तो आपने देखा कि किडनी खराब होने के लिए 3-4-5 तरह के कारण है। अब आता है किडनी को डैमेज करने वाला सबसे बड़ा फैक्टर जो आप मानने ही वाले नहीं हो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फैक्टर को समझना, ये फैक्टर को जानना और इसका इम्पैक्ट समझना, ये है स्ट्रेस। आपको अगर नहीं सर, स्ट्रेस से कहां किडनी खराब हो सकती है? सर स्ट्रेस से बीपी बढ़ता है, स्ट्रेस से शुगर बढ़ता है, सर स्ट्रेस से हार्ट अटैक भी आता है, स्ट्रेस से ब्रेन अटैक भी आता है, लेकिन सर किडनी खराब नहीं होती। ये गलत फहमी बिल्कुल मत रहिएगा। देखिए स्ट्रेस है ना, जब आप डरे हुए हैं या टेंशन में है तो स्ट्रेस आपके माइंड के द्वारा, माइंड के थ्रू ब्रेन पर काम करता है और ब्रेन से रिलीज होता है कॉर्टिसोल और एड्रेनालिन। अब पता है आपको कॉर्टिसोल क्या है? ये स्टीरॉयड है। जी हाँ, ये बॉडी का अपना स्टीरॉयड है। अब ज्यादा स्ट्रेस लोगे, अपना स्टीरॉयड ज्यादा मात्रा में बढ़ेगा, तो स्टीरॉयड तो स्टीरॉयड ही है, वो किडनी को डैमेज करेगा। सो स्ट्रेस ये इम्पोर्टेंट, अगर मैं कहूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर है आपकी किडनी को फेल करने वाला, डैमेज करने वाला, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो जो भी कारण डिस्कस किए इन सब में स्ट्रेस सबसे इम्पोर्टेंट है, लेकिन सबसे लास्ट में बताया गया, इसे नजरअंदाज बिल्कुल मत कीजिए। चलिए अब देखते हैं किडनी के अंदर एग्जैक्टली क्या हो रहा है।
किडनी के अंदर होते हैं ग्लोमेरुलाय, जिसमें से ब्लड आता है काफी बोमेंस कैप्सूल में, बहुत सारा आर्टरीज का गुच्छा होता है, यानी कि रक्त नलिकाओं का गुच्छा होता है, और उस रक्त नलिकाओं में से फिल्ट्रेशन होता है और यूरिन तैयार होती है। अब अगर यहाँ जो फिल्ट्रेशन हो रहा है ग्लोमेरुलाय में, वहां किसी भी रीजन से अगर फाइब्रोसिस हो जाए या वहां पर डैमेज हो जाए या वहां डिजनरेशन हो जाए या किसी तरह से ब्लॉकेज आ जाए या कुछ परत जम जाए, तो ये फिल्ट्रेशन कम होने लगता है। और जैसे जैसे फिल्ट्रेशन कम होने लगता है, ये धीरे धीरे काम नहीं होने के कारण या उसके पहले भी टॉक्सिन्स के कारण ये ग्लोमेरुलाय सिकुड़ने लगते हैं। अभी ग्लोमेरुलाय जब सिकुड़ेंगे तो पूरा जो नेफ्रॉन होता है वो नेफ्रॉन भी सिकुड़ने लगता है, तो धीरे धीरे किडनी के सेल सिकुड़ते हैं और फिर किडनी छोटी होती जाती है। तो आप देखेंगे जब किडनी फेलियर के लेट स्टेज में किडनी सिकुड़ी हुई होती है। अब हमें ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि किडनी सेल्स को एक्टिव करने के लिए किडनी सिकुड़ती है ये मालूम होना जरूरी है। तो चलिए अब बढ़ते हैं कि एग्जैक्टली एक्टिवेट कैसे करें, क्योंकि अब है सीकेडी स्टेज, और सीकेडी की स्टेज यानी कि क्रॉनिक किडनी डिजीज की स्टेज में होता है स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4 और स्टेज 5, फिफ्थ स्टेज को कहा जाता है एंड स्टेज रीनल डिजीज। सो पहले जब हमने शुरुआत की रिसर्च की किडनी पे, तो हमने हमारे जो थेरेपीज को लगाया तो हमें लगता था कि स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 इसी में फायदा हो सकता है, रिकवरी हो सकती है और किडनी का फंक्शन बढ़ सकता है। लेकिन जब हमने हमारी थेरेपी को स्टेज 4, स्टेज 5 या ESRD एंड स्टेज रीनल डिजीज पर भी लगाया, तो पता चला काफी सारे किडनीज में रिकवरी का पोटेंशियल होता है, काफी सारे नेफ्रॉन्स में एक्टिव होने की तैयारी होती है। सवाल ये है, क्या आपने कभी कोशिश की? बस यहाँ सारा गेम चेंज हो जाता है। हमने जब रिसर्च किया तो पता चला कि सभी लोग हार मान के बैठ चुके हैं, कुछ लोगों ने एलोपैथिक ली, कुछ लोगों ने आयुर्वेदिक ली, कुछ लोगों ने होम्योपैथिक ली, लेकिन किडनी के ऊपर एक्चुअली वर्क किसी ने नहीं किया। इस किडनी नाम के फिल्ट्रेशन प्लांट को या किडनी नाम के फिल्ट्रेशन वाली फैक्ट्री को किसी ने रीस्टार्ट करने की कोशिश नहीं की। तो हमने उसके लिए थेरेपीज बनाई, किडनी पर काम कैसे करे, किडनी के सेल्स को एक्टिवेट कैसे करे, और ऐसी दवाइयां भी ढूंढी जो किडनी पर काम कर सकते हैं, एंड रिजल्ट्स आर मैजिकल। तो अभी तक अगर आपको लगा होगा कि ये इन्फॉर्मेशन तो काम की है, और देखते हैं आगे स्टेप्स एग्जैक्टली किडनी को एक्टिवेट करने के लिए क्या करना चाहिए, जिससे उनको आपको बहुत मजा आएगा। लेकिन उसके पहले रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि पूरी दुनिया में किडनी को एक्टिवेट करने के लिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, स्टेप बाय स्टेप थेरेपीज और उसकी मेडिसिन और एक्चुअली रिजल्ट ये कोई नहीं दे रहा है। हम आपको रिजल्ट इंटरव्यूज के रूप में भी दिखाने वाले हैं। आपने ऑलरेडी अगर चैनल का पार्ट है तो आपने बहुत सारे इंटरव्यूज देख लिए होंगे कि कैसे हम सिर्फ 5 दिन के प्रोग्राम में किडनी को एक्टिवेट कर रहे हैं, पैनक्रियास को एक्टिवेट कर रहे हैं, सिकुड़ा हुआ पैनक्रियास है उसे नॉर्मल कर रहे हैं, सिकुड़ी हुई किडनी है उसे भी नॉर्मल क्योर लेकर आ रहे हैं। तो ये मैजिकल ट्रीटमेंट एग्जैक्टली होता कैसे, चलिए जानते हैं। मुझे पता है आप भी एक्साइटेड होंगे और मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ आपको ये बताने के लिए, आपसे शेयर करने के लिए। सो स्टेप नंबर 1, देखिए हमने देखा कि किडनी पर किसी ना किसी टॉक्सिन्स या केमिकल्स की मार पड़ती है या ट्रिगर आते हैं तब किडनी डैमेज होती है। सोचिए कि ये जो मार कितने साल पड़ी होगी कि किडनी खराब होगी। जैसे एग्जांपल, कोई अल्कोहल ले रहा है वो कितने साल से अल्कोहल ले रहा है, कोई इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड वाला खाना खा रहा है तो वो कितने साल से खा रहा है, और कोई दवाइयां लेने की किसी को आदत है, बार बार बुखार होता है, सर्दी होती है, खांसी होती है, कोई निमिस्टुलेट खा रहा है, कोई क्रोसिन खा रहा है, कोई पेन किलर्स ले रहा है, ज्वाइंट पेन्स है, बहुत साल किडनी पर अत्याचार होता है उसके बाद किडनी खराब होती है। तो ये अत्याचार को हम अगर प्रैक्टिकली समझे तो ये बॉडी में टॉक्सिन्स के रूप में जाते हैं, चाहे इंसेक्टिसाइड्स हो, पेस्टिसाइड्स हो, और मेडिसिन के जो कण हो या केमिकल्स हो, उनके प्रिजर्वेटिव्स हो या उनके वो कलर्स हो जो हार्मफुल होते हैं, तो ये सारे जाकर किडनी में अपनी जगह बनाते हैं, किडनी में डिपॉजिट हो जाते हैं। नेफ्रॉन्स के आजू बाजू डिपॉजिट होते हैं तो नेफ्रॉन्स का काम करना धीरे धीरे कम होता है, बस यही इसे कहते हैं किडनी फेलियर। अब जैसे धीरे धीरे फेलियर होगा, शुरुआत के स्टेज में तो यूरिया और क्रिएटिन नॉर्मल रहता है, तो जितने भी लोग यूरिया और क्रिएटिन को देख के ये समझते हैं कि किडनी ठीक है, पूरी तरह गलत है, वैसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि यूरिया और क्रिएटिन तब बढ़ेगा जब 20-30% किडनी, दोनों किडनी खराब हो जाएगी, क्योंकि जब तक 10% किडनी खराब हो गई है, किडनी थोड़ा काम ज्यादा करती है, मैनेज कर लेती है, यूरिया नहीं बढ़ने देती, शरीर में पॉइजन की मात्रा नहीं बढ़ने देती, फिल्टर कर लेती है। फिर अगर 20% किडनी खराब हो गई तो किडनी और भी ओवरवर्क करती है और मैनेज कर लेती है। जैसे आप सोचिए, एक कंपनी में अगर 10 लोगों का स्टाफ है, उसमें से एक छोड़ जाए तो 9 लोग वर्क को कवरअप कर लेते हैं और किसी को पता नहीं चलता कि इसमें से स्टाफ छोड़ के गया है।
फिर दो लोग छोड़ के जाए तो भी मैनेज कर लेंगे, तीन लोग अगर छोड़ के जाते हैं तो फिर जो उनके कस्टमर्स होते हैं उनको पता चल जाता कि यहाँ सर्विस नहीं मिल रही, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि तीन लोगों का काम एडजस्ट करना बाकी सात लोगों के लिए डिफिकल्ट जा रहा है। सोचिए एक और छोड़ के जाता है, अब चार गए छह ही बचे, अब पूरा सिस्टम गड़बड़ हो जाता है ना। उसी तरह से जो किडनी है ना, किडनी भी 10% 20% डैमेज में रिपोर्ट्स में नहीं झलकता है कि यूरिया और क्रिएटिनिन बढ़ गया, 30% और 40% डैमेज भी झलकना शुरू हो जाता है। सो अब आपको पता चल गया कि किडनी डैमेज हुई केमिकल्स की वजह से या फिर अल्कोहल की वजह से या स्टीरॉयड की वजह से, मेडिसिन की वजह से, और अब किडनी सिकुड़ने लगी है। जब आप थेरेपी करोगे इसी बात को ध्यान रखना है, और सबसे पहले टॉक्सिन्स को निकाल दो, बॉडी को टॉक्सिन से फ्री करना जरूरी है, डिटॉक्स करना जरूरी है। अगर आप सही में किसी भी तरह की किडनी प्रॉब्लम से जूझ रहे हो, पहला काम है आपका ये जो किडनी जिसने कई साल आपके शरीर के टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में गवा दिए, आज वही किडनी टॉक्सिन्स के बोझ तले दब रही है, अभी वो इतना फंक्शन नहीं कर पा रही है। तो टॉक्सिन्स के बोझ से किडनी को बचाने के लिए डिटॉक्स करना चाहिए। अब ज्यादातर डिटॉक्स प्रोसीजर में एक और प्रॉब्लम है, ज्यादातर डिटॉक्स प्रोसीजर आपकी किडनी पर ही और प्रेशर डालते हैं और इसलिए वो काम नहीं करते। कुछ डिटॉक्स प्रोसीजर जैसे कोलोन क्लींस होता है या एनिमा होता है, ये मल मार्ग के द्वारा डिटॉक्स करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसमें भी अपनी गड़बड़ है। ये होता है कि जो इंटेस्टाइन है, अतड़िया है, वो पूरी तरह साफ हो जाती है, उसके आजू बाजू का सिस्टम साफ हो जाता है, लेकिन मल साफ हो गया लेकिन मूत्र वाला फैक्टर साफ नहीं होता है, क्योंकि वो किडनी फिल्टर हुई नहीं अब तक। तो आप कहेंगे क्या करना चाहिए, देखिए इसके और भी डिटॉक्स प्रोग्राम्स है। हम जो डिटॉक्स प्रोग्राम इस्तेमाल कर रहे हैं वो कहा जाता है माइंड बॉडी ऑर्गन डिटॉक्स। अब ये बहुत जरूरी है। तो हमने देखा कि डिटॉक्स कैसे करना चाहिए, माइंड बॉडी ऑर्गन सेल, ये चार लेवल का डिटॉक्स होना चाहिए। अब आप कहेंगे सर सेल डिटॉक्स समझ गया, क्योंकि वो किडनी के सेल्स को तो साफ सुथरा करना जरूरी है, उसके बिना किडनी एक्टिवेट ही नहीं होगी, राइट? क्योंकि हम तो बात कर रहे हैं किडनी एक्टिवेट करने की, किडनी एक्टिवेट करना है तो किडनी के सेल्स को फ्री करना पड़ेगा। अब किडनी के सेल्स फ्री कैसे होंगे, वो जो ऑर्गन है पूरी किडनी ऑर्गन, उसे हमें डिटॉक्स करना होगा, तो ऑर्गन डिटॉक्स जरूरी है। अब आप कहेंगे सर ऑर्गन के लिए तो बॉडी पूरी डिटॉक्स होना जरूरी है, क्योंकि एक फिश टैंक में अगर फिश है और पानी खराब है तो फिश पर असर आएगा, वैसे ही आपकी किडनी अगर खराब वाले बॉडी में पड़ी है, खराब फ्लूइड्स की बॉडी में पड़ी है या पूरे बॉडी में टॉक्सिन्स फैले हुए, तो किडनी को साफ तो किया ही नहीं जा सकता, कर लेंगे फिर से टॉक्सिन्स भर जाएंगे, तो बॉडी को डिटॉक्स करना जरूरी है। अब बचा माइंड, मैंने आपको बताया था डैमेज करने वाले कारण में स्ट्रेस सबसे इम्पोर्टेंट है। सो माइंड में अगर किसी भी तरह का डर है, चिंता है, स्ट्रेस है, टेंशन है, तो बॉडी में कंटिन्यू कॉर्टिसोल रिलीज हो रहा है, और जो कॉर्टिसोल रिलीज हो रहा है ब्रेन के द्वारा, न्यूरोट्रांसमीटर्स के द्वारा, एड्रेनालिन ग्लैंड के द्वारा कॉर्टिसोल रिलीज हो रहा है, वो आपकी किडनी को डैमेज कर रहा है। तो आपको माइंड लेवल पे भी डिटॉक्स करना बहुत जरूरी है, और ये और कहीं भी नहीं होता, ये हम करते हैं स्पेशली किडनी पेशेंट्स के लिए, और मैं आपको बताऊं रिजल्ट सुपर अमेजिंग, एकदम अमेजिंग रिजल्ट है। कि जैसे ही माइंड रिलैक्स होता है, ब्रेन सिग्नल भेजता है, न्यूरोट्रांसमीटर्स चेंज हो जाते हैं, और फिर वो एड्रेनालिन और कॉर्टिसोल का रिलीज कम हो जाता है, और जैसे जैसे एड्रेनालिन कॉर्टिसोल रिलीज कम होता है, किडनी रिलैक्स होती है, किडनी एक्टिवेट होने लगती है, एंड उसके बाद जब हम डिटॉक्स करते हैं उसमें हम किडनी पर स्ट्रेन नहीं डालते। हमारे सेंटर में एक ऐसी मशीन रखी है हमने जो स्किन के द्वारा बॉडी को डिटॉक्स कर लेती है, तो किडनी पर स्ट्रेस नहीं आता। सो किडनी पर स्ट्रेस भी नहीं आ रहा है और टॉक्सिन सारे बाहर फेंके जा रहे हैं, तो किडनी राहत महसूस करती है और धीरे धीरे किडनी रिलैक्स होती जाती है, और फिर उसमें कुछ मेडिसिन देते हैं हम स्पेशली जो किडनी को एक्टिवेट कर सकते हैं। तो अगर हम स्टेप बाय स्टेप देखा जाए कि किडनी को एक्टिवेट कैसे करें, सबसे पहले एक प्रॉपर हिस्ट्री लेनी जरूरी है, जानना जरूरी है कि किडनी डैमेज कैसे हुई, किडनी के डैमेज करने के कारण क्या है इस पर्टिकुलर पेशेंट में रूट कॉज। हो सकता है कि आपके किडनी को फेल करने वाला रूट कॉज कोई अलग होगा, आपके दूसरे मित्र को किडनी फेल करने वाला रूट कॉज अलग होगा, डिफरेंट हो सकता है, लेकिन जानना जरूरी है। तो पहला स्टेप है फाइंड द रूट कॉज। सो पहले जड़ समझिए, दो या तीन या चार कारण मिलकर किडनी खराब होगी, चारों को समझिए और इलाज को प्लान कीजिए। वो हम करते हैं आपके लिए, मुझे पता है कि वो आप नहीं कर पाएंगे, लेकिन हमारे एक्सपर्ट उसके लिए करते हैं कि आपने क्या करना चाहिए। सो पहला है फाइंड द रूट कॉज, सेकंड डिटॉक्स माइंड बॉडी ऑर्गन्स एंड सेल्स, ये चारों लेवल पर डिटॉक्स करना बेहद जरूरी है। डिटॉक्स एक ऐसा रास्ता है जो आपके किडनी के सेल्स को राहत की सांस लेने देता है।
इतने सालों से बेचारे टॉक्सिन्स के बोझ में पड़े हैं किडनी के सेल्स, आज डिटॉक्स करके इनको फ्री तो करके देखिए। ज्यादातर लोग हार मान के बैठ गए, मुझे पता है आप में से भी हर कोई नहीं करने वाला, लेकिन जो करेगा ना उसकी जिंदगी वहां से बदलना शुरू हो जाएगी। एक बार किडनी को मौका दीजिए ठीक होने का, डिटॉक्स कर लीजिए और फिर देखिए जो मेडिसिन हम देते हैं वो किडनी को कैसे एक्टिवेट करने में हेल्प करते हैं। थर्ड पॉइंट यहाँ जो मैं बताना चाहूंगा वो है सेलुलर एक्टिवेशन। अब हमने रूट कॉज पता कर लिया, उसके बाद हमने डिटॉक्स कर लिया, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट आता है, वो डिटॉक्स हो गई, किडनी रिलैक्स हो गई, सेल्स रिलैक्स हो गए, अब इन्हें एक्टिवेट कीजिए। अब इन्हें एक्टिवेट करने के लिए हमने कुछ मेडिसिन को इजाद किया है, मेडिसिन को तैयार किया है, उसी के साथ साथ माइंड और ब्रेन आपका किडनी पर असर कर सकता है, मतलब हर ऑर्गन पर असर करता है तो किडनी पे क्यों नहीं करेगा। तो माइंड और ब्रेन के द्वारा भी किडनी को एक्टिवेट करने की थेरेपीज हमने तैयार की है। तो देखिए सेल्स, किडनी सेल्स को एक्टिवेट करने के लिए हमारे पास मेडिसिन भी है, थेरेपीज है। तो थर्ड स्टेप है सेलुलर एक्टिवेशन। देन फोर्थ एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप है किडनी एक्टिवेशन। देखिए किडनी में फिल्ट्रेशन वाले सेल्स के अलावा भी बाकी सेल्स होते हैं, तो वो सारे सेल्स को भी एक्टिवेट करना है। वो सारे सेल्स एक्टिवेट कैसे होंगे, डिटॉक्स होने के बाद कुछ प्रॉपरली राइट सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन करनी पड़ती है, एंड अगेन कुछ थेरेपीज हमने डिजाइन की है जो किडनी के सेल्स के अलावा बाकी किडनी को भी एक्टिवेट करते हैं। तो ये हो गया फोर्थ स्टेप, किडनी एक्टिवेशन। अब आपने सेल्स एक्टिवेट कर दिए, अब किडनी एक्टिवेट कर दिए, सिर्फ इससे काम नहीं होगा। अब इस समय तक आपके किडनी का फिल्ट्रेशन ऑलरेडी बढ़ना शुरू हो चुका होगा, या नहीं हुआ तो फिर हम फिल्ट्रेशन को एक्टिवेट करने वाली कुछ मेडिसिन देंगे। देखिए आपने देखा ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, एक झटके में एक साथ सब नहीं होने वाला, लेकिन आप डायलिसिस के लिए भी तो हर हफ्ते में दो बार या तीन बार कई सालों तक जा रहे हो, तो फिर ठीक करने के लिए, एक्टिवेट करने के लिए, किडनी को फिर से शुरू करने के लिए, एक बार फिर से हेल्दी किडनी पाने के लिए और डायलिसिस कम करने के लिए ये सारे स्टेप्स क्यों नहीं फॉलो कर सकते। आपको ये वीडियो कैसा लगा, जानकर कैसा लगा ये भी जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और लगा होगा कि एक उम्मीद की किरण है, तो ज्यादा से ज्यादा ग्रुप्स में इस वीडियो को फैला दीजिए, वायरल कर दीजिए। देखिए ना उम्मीदी में सारे लोग बैठे हैं, डायलिसिस कर रहे हैं, परेशान है, चिंताग्रस्त है, आपका एक शेयर उनकी जिंदगी बदल सकता है, तो क्यों नहीं आप इसे शेयर कर देते, हम भी इसे शेयर कर देंगे। तो जितने लोग सीकीडी से ग्रस्त है, किडनी की बीमारी से परेशान है, किडनी फेलियर से परेशान है, उनके पास एक उम्मीद की किरण रहेगी, जस्ट आपके शेयर करने का कारण। सो गाइस थैंक यू इस वीडियो को आखिर तक सुनने के लिए। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और इस वीडियो के बारे में कमेंट जरूर लीजिएगा। मुझे जानने में खुशी होगी कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, क्या आपकी भी उम्मीद की किरण जागी है, या आपका कोई और सवाल है तो कमेंट में जरूर लिखिएगा, उस पर मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा। सो थैंक यू, बाय बाय। एक बात याद रखिए, एक बार किडनी फेल हो गई मतलब उसका कोई इलाज नहीं, ऐसा नहीं होता। हाँ, आप जो सिस्टम में जा रहे हैं शायद उसमें इलाज नहीं है, लेकिन अगर इस तरह से आप करते हैं तो हमने देखा है कि यूरिया क्रिएटिन अपने आप कम होना शुरू हो जाता है, किडनी एक्टिवेट होती है और आउटपुट बढ़ना शुरू हो जाता है। क्या आप भी एक मौका लेना चाहेंगे? सो रूट कॉज ट्रीटमेंट को फॉलो कीजिए, किडनी को फिर से एक्टिवेट कीजिए। चलिए मिलकर किडनी की मदद करते हैं, और फिर किडनी, आप और हम मिलकर आपकी मदद करते हैं। बाय बाय।